किसी भी परिवार में जब कोई छोटा सा बच्चा आने वाला होता है, पूरी खुशियां होती हैं पूरे सभी परिवार के सदस्यों में। और जब बच्चा पहला हो तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की खुशियां रहती हैं। लेकिन त्यौहार के इन दिनों में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है ज़रूर टूट पड़ता है। पूजा, जिसकी शादी अभी 1 से 1.5 साल पहले ही होती है, पहला बच्चा होता है, त्रावड़ी में बच्चा होने वाला होता है, लेकिन यहाँ रेफ़र कर दिया जाता है कल्पना चावला हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलाज जो है सही तरीके से नहीं किया गया और बच्चा जो है पैदा होते ही इस दुनिया को अलविदा कह देता है। एक बार परिवार से ही जानते हैं क्या कुछ मामला है। मैम, क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ, लापरवाही की इन्होंने। सुबह से लड़के को 11 बजे से ला रखा उन्होंने त्रावड़ी से, और ना तो उसको देखा ना कुछ। इनके साथ ये बोले जा रहे हैं भाई, देख रहे हैं अभी लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं अभी लेके जा रहे हैं। इन्होंने सुबह के 5-6 बजे तक हमें ऐसे ही गुमराह करके रखा, ठीक है ना। हम ऐसे इसे बता रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की भी बोल रहे हैं, धड़कन इसकी तो चल ही नहीं रही थी, पैदा होती है। हाँ जी, ये बोला नहीं नहीं पैदा नहीं, जब लेके गए हैं और पहले इसके टेस्ट वेस्ट करे सब कुछ सही था, 9 महीने से भी ट्रीटमेंट सही चल रहा था उसका, बिल्कुल सही था। हाँ ये बोला था हमारे से, और अभी लेके जा रहे हैं, अभी लेके जा रहे हैं, अभी लेके जा रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। लापरवाही की वजह से हमारे साथ ये किया इन्होंने हमारा। उसकी मम्मी को तो अभी तक ये भी नहीं पता, मेरी बहन को, भाई उसका बच्चा इस दुनिया में ही नहीं है। अच्छा, वो आपकी बहन लगती है? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ। हाँ जी, नहीं बताया गया। वो हमारे से बार बार पूछ रही है लेकिन हम नहीं बता पा रहे उसको, भाई उसके साथ क्या हुआ है, अब उसकी भी हालत क्या है, और हम बता सकते हैं ये बात उसको किस मुँह से, कैसे बताएं उसको हम। एक हफ्ते बाद हमारे घर में शादी है, इन्होंने 11 बजे से उनको डारे में रखा हुआ है, कर रहे हैं करते करते 5:30 बजा दिए, और मरने के बाद कह रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर खाली ही नहीं था, और जो ऑपरेट किया है वो जूनियर डॉक्टर ने किया है। ये किसने बताया? ये मैडम ने खुद बोला है, मैंने मैडम से बात किया जो अंदर डॉक्टर बैठे थे, दीप सर थे वहाँ पे, तो मैडम है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया ना अपने जूनियर का नाम बताया। मैंने उनको बोला मैम ऑपरेट आपने सीनियर से जाके बात की इस बारे में? हाँ जी मैम, जो अंदर मैडम थे मैंने बात की उनसे, उन्होंने यही बोला कि मैंने ऑपरेट नहीं किया, जूनियर डॉक्टर ने ऑपरेट किया है। अब पूछने में ना तो उन्होंने नाम बताया, पूछा है कि आप अपना जरूर स्टाफ का नाम बताओ, तो वो कहते हैं जाके नीचे जाके पता करो, ड्यूटी पे आपने आप बता देंगे आपको कौन कौन है ड्यूटी पे इस टाइम। कल्पना चावला में? हाँ जी, कल्पना चावला में ये बता रहे हैं वो। मैंने कहा आप उनको तो बताओगे जिन्होंने ऑपरेशन किया है, वो बोलते हैं कि आप उससे बात करो जो बात करनी है, तो बस अपना ये इसी बात को कहते कहते टाल दिया ना उन्होंने, उनका नाम तक नहीं बताया, सिर्फ हमें एक डॉक्टर का नाम बताया दीप का, जो जिन्होंने बोला था कि फटाफट से अपना रिपोर्ट लेकर आओ। आया खुद लेके भी आए हैं वो। हाँ, रिपोर्ट लेकर। कहाँ के आप लोग? हम तो करनाल के रहने वाले हैं जी। सिस्टर हाँ, की शादी त्रावड़ी हो रखी है। सिस्टर की शादी त्रावड़ी त्रावड़ी हो रखी है। जब वहाँ से ही डॉक्टर ने लिख के इनको पहले ही बता दिया कि पोटी कर रखे बच्चे ने, खतरा है तो इसका ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए। इनको भी आते ही पता लग गया, इन्होंने भी यही बोला कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन इनकी इतनी जल्दी की इन्होंने 5-6 घंटे निकाल दिया। 5-6 घंटे निकालने के बाद मरने के बाद ही ये बात बताया इन्होंने कि ऑपरेशन थिएटर खाली ही नहीं था। ये बात क्या पहले बेटा हुआ था? हाँ जी, बेटा हुआ था उसका फर्स्ट, और उसके साथ मतलब ये कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, हमसे ये कह रहे थे कि बस ऑपरेशन अभी ले जा रहे हैं, ऐसे करते करते उन्होंने शाम को 5 बजा दिए, और फिर ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो मर गया। मतलब अभी तो बच्चे के साथ ये हुआ था, उसके मरीज के साथ भी ऐसा हो सकता था? इतनी लापरवाही डॉक्टरों ने की, हमें तो विश्वास तक नहीं है बस अब डॉक्टरों पर। अब उस हम अपनी ननद से क्या कहें कि उसका बच्चा नहीं रहा, वो हमसे बार बार पूछ रही है, अब क्या कहें हम उससे, हम उसके सामने भी नहीं जा पा रहे हैं। अब उसको बोलेंगे तो उसको भी कुछ हो सकता है, हमने तो छुपा रखी है उससे बात, ये बात छुपा रखी है हमने भी, उसका बच्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनके भाई यहाँ पर खड़े रोते बिलखते दिख रहे हैं, क्योंकि बता भी नहीं पा रहे क्योंकि हालात इस तरीके से हुए हैं। आप कौन लगती हैं उनकी? मामी सास हूं जी। आप मामी सास लगते हैं। क्या कुछ बताया था डॉक्टर्स ने आपको? ये बताया था भी जल्दी ऑपरेशन करना, भी रिपोर्टें ले आओ फटाफट से। हम लेने गए थे, हमारे को तो दी नहीं थी जल्दी से रिपोर्टें, अपने आप से लेके आए थे डॉक्टर भी हम ऑपरेशन करेंगे जल्दी, फिर लेके नहीं गए, कहते रहे। अभी हमारे से बाद 2 मरीज आए थे, उनके ऑपरेशन पहले कर दिया था, फिर इसके बाद उनका करा तो बच्चा कह दिया बचा नहीं। शाम को आप लोगों को बताया था ये? शाम को सुबह के लेके आए थे, शाम को किया। उसको तकलीफ थी जब ही हॉस्पिटल लेके आए हैं, इनको तकलीफ, इनके इंसानियत ही मर चुकी है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
हम यही चाहेंगे कि जैसे हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैसे हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। बड़ा ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, उसकी हालत क्या है, क्या पता लापरवाही से काम किया, उनके लसन जरा होने चाहिए ताकि आगे किसी के बच्चे की जान को खतरा ना हो। मैं तो अनिल विजी जी से मिलना चाहूंगा कभी, अगर यहाँ पर हमारी कार्रवाई नहीं। हाँ जी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं ना, वो मैं अभी वो क्या बताएं, हम पहला बच्चा है जी और हफ्ते बाद हमारे घर में शादी है छोटी बहन की, क्या करें हम, क्या बनाएं, खुशी बनाएं गम बनाएं, वो कैसे बोलेंगे, उनका पहला बच्चा था, उनको भी कितना गम है। यहाँ पे हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे परिवार के साथ अनिल विज जी के पास जाना पसंद करेंगे, वहाँ जाएंगे हम, सीएमओ साहब से मिलेंगे, अभी डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, क्या कार्रवाई करते हैं वो अपने स्टाफ के खिलाफ। तो आप हॉस्पिटल के हेड अथॉरिटी के पास गए हैं, गए थे, उन्होंने कहा रिटर्न में हमें दो, तो अब रिटर्न में हमने दी, वो कह रहे कि जिन जिनसे आपने लिखने के बाद अभी आधार कार्ड लगाओ इन पे, आधार कार्ड लगा के तो ये दो, अब देखते हैं मैडम, मिला के अभी हमने मंगाया है ये डॉक्यूमेंट, अब लगा के फिर देंगे उनको, सर को बुलाओ, बोला है उन्होंने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा परिवार परेशान होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखी गई है, पूजा का जो पहला बच्चा था और एक हफ्ते के बाद उन्हीं की छोटी बहन की एक परिवार में शादी भी है, तो ना ही वो उन्हें जो पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं, उनकी बहनें हैं, जो उनकी भाभियाँ हैं, मामी सास हैं, सभी लोग रोते भी लगते दिख रहे हैं, क्योंकि पहला बच्चा जिस तरीके से खुशी होती है और परिवार में आने वाले कुछ दिनों में शादी भी है, तो किस तरीके से वो खुशियाँ मनाए जाएँ, या एक बच्चा जो नन्हा बच्चा अभी इसने आँखें खोली भी नहीं थी, इस दुनिया में अभी आया ही था और पहले ही अलविदा कह दिया, उनके हस्बैंड उनके पास ही हैं, वाइफ को पूजा को बताया भी नहीं गया कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो यहाँ पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएंगी जो यहाँ हेड अथॉरिटी है हॉस्पिटल की, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि उतरावड़ी से यहाँ पर रेफर किया गया था, 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन तकरीबन शाम से 5 से 6 बज जाते हैं तब बताया जाता है कि बच्चे की डेथ हो गई, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर ने किसी ने ऑपरेशन किया है, सीनियर डॉक्टर ने नहीं किया, हालांकि ये जाँच का विषय है, क्योंकि इस तरीके से कहा जाता है कि बच्चे, बोला गया था कि बच्चे ने पेट में ही पहले ही पोटी कर दी तो ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जूनियर किसी डॉक्टर ने जो है ऑपरेट किया है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, हेड अथॉरिटी को अगर एप्लीकेशन लिख कर दिए जाते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार जो है रोता भी लगता, परेशान होता, दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि एक तरफ एक ही हफ्ते बाद परिवार में शादी भी है पूजा की छोटी बहन की, तो किस तरीके से अब वो खुशियाँ मनाएं, उस शादी की तैयारियाँ करें, या इस तरीके से इस गम को किस तरीके से झेलें। यहाँ पर पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं, सभी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।